बहुत बड़ा गुनाह किया है इसने, बहुत बड़ा, इसलिए इसकी सजा भी बहुत बड़ी होगी। हम इस धोखेबाज झूठे मक्कार खूनी से इसकी जिंदगी जीतते हैं। यकीन तोड़ने वाले को माफ किया जाता है, दिल तोड़ने वाले को माफ किया जा सकता है, लेकिन तुमने तो हमारे अबू की सांसों की तोड़ तोड़ दी काले चो। हम बगदाद की शहजादी यासमी अपने अबू बगदाद के महरूम अच्छा शाहनवाज के कातिल कल महल के पास दीवारों में चुनवा दिया जाएगा ताकि आने वाली दुनिया को याद रहे कि बगदाद में सब कुछ माफ किया जा सकता है, लेकिन एक गद्दार को माफ नहीं किया जा सकता। हमारा मुल्क और हमारी आवाम गद्दार को माफ करने में यकीन नहीं रखते। हम आप सबके और बगदाद के वजीर आला हैं, इसलिए आप सभी से दरख्वास्त कि कल आएं और देखें कि हम कैसे एक गद्दार को उसकी सजा देते हैं। मुझे इंसानों से कोई खास हमदर्दी नहीं, लेकिन ये सजा तो बहुत ही बेहद है। आका ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया अंगूठी छाप? आखिर तुम भी एक जिन थे, वफादार जिन। इस इंसानों वाली गधों की दुनिया में एक तुम्ही थे जिससे मैं बात कर सकता था। माना कि तुमसे लड़ाई होती थी, लेकिन इस लड़ाई की आदत पड़ गई थी। आका ने तुम्हारे साथ जो किया उससे मुझे डर लग रहा है। मैं भी तो उनका जिन हूं, कहीं वो भी मेरे साथ ऐसा ना करें जो
जो तुम्हारे साथ किया। चिराग के जिन हा? अरे हमें तो लगा था खुशी का मंजर होगा, पर यहां कुछ माहौल ही और है। आका, अंगूठी का चिन्ह मजाक करता था, इतना मजाक करता था कि गुस्सा आ जाए, लेकिन लेकिन था वफादार। तो फिर आपने उसके साथ ये गद्दारी क्यों की? गद्दारी? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे पहले दिन से पता था कि हम उस रोज क्या करने वाले हैं। मतलब? हम तुम्हें समझाते हैं, हमारी और उसकी पहले ही बात हो चुकी है। लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए ये साबित करना बहुत जरूरी था कि अलादीन ही उस अंगूठी के जिन का आका है, और उसी की वजह से बगदाद में जो मनहूसियत और तकलीफ पहुंची है उसकी वजह वो खुद है। अब जब आवाम ये देखती कि उस अंगूठी के जिन को उसकी सजा मिली, तो उन्हें हम पर यकीन होता, तो उसने हमसे ये मशवरा दिया कि हम उसे नहीं बल्कि तुम्हें अलादीन का जिन बनाकर पूरी आवाम के सामने पेश करें। आप सच कह रहे? हम तुमसे झूठ क्यों कहें? बल्कि उसने हमसे कहा, ए मेरे अकल के जादूगर आका, अकल सूरज से ये दोनों एक दूसरे के भाई और ये उसका साथीदार भी लगेगा। अरे उसने तो ये भी कहा कि लोग बड़े आसानी से इस बात पे यकीन कर लेंगे मेरे आका। वो तो चाहता था कि लोग तुमसे नफरत करें और सारे इल्जाम तुम पर आ जाएं। जाने क्या क्या नाप शनाप पकाए उस बेवकूफ ने। वो तो दरअसल तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर हलाल करना चाहता था। वो अंगूठी का चिन्ह मुझसे इतनी नफरत करता था। इस दुनिया में नफरत करने वाले हर मोड़ पर मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला ढूंढने से तक नहीं मिलता। वैसे हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं चिराग के जिन। इसलिए हमने उसे साफ साफ कह दिया, ना ना ये काम करोगे तो तुम ही, वरना हम अपने अजीज चिराग के जिन की कुर्बानी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अब तुम समझो हमने किस तरह तुम्हें बचाया और उस अंगूठी छाप को फंसाया। चिराग के जिन, हम तुम्हारे आका हैं, तुम्हें कुर्बान करने की हम कभी सोच ही नहीं सकते। इस गुनहगार की सजा खुद शहजादी यास्मीन तय करेंगी। लिबास क्यों पहने थे? वजीर आला भी उसे शहजादी यास्मीन बुला रहे थे। अगर वो शहजादी यास्मीन ने, तो फिर मैं जिसे मिला था वो कौन थी? उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुमने हमारे अब्बू की जान ली,
क्यों अपने इस खूनी खेल में हमें मोहरा बनाया? क्यों झूठी दोस्ती की? क्यों झूठी मोहब्बत रचाई काले चोर? क्यों? 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 हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया काले चोर, और तुमने शमशीर के एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे घर से हमारे अब्बू का सारा चीता तुमने काले चोर, और कदम पर तुमने हमसे झूठ बोला है, सिर्फ झूठ। क्यों? तुमसे दोस्ती, तुमसे मोहब्बत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी काले चोर। जो कुछ भी था उसने हमारे बीच था, तो फिर हमारे अब्बू की जान लेने की क्या जरूरत थी? बोलो, हमारा समाज तुम्हारे दिल में भी है और मेरे भी, पर इस वक्त ना तो तुमसे जवाब मांग सकता हूँ ना दे सकता हूँ। मैं तुमसे किस मुंह से बात कर, मैंने तुम्हारे अब्बू को मार डाला। मैं सिर्फ तुम्हारे गुस्से और नफरत के लायक हूँ। जवाब दोगे भी कैसे तुम, क्योंकि ऊंची आवाज में सिर्फ बेगुनाही बोलती है। झूठ हमेशा चुप रहता है तुम्हारी तरह। मन तो करा कि अपने हाथों से तुम्हारा सर कलम कर दे काले चोर। चिन्हा तुम्हें कभी तुम्हारे हाथ शहजादी यास्मीन, आप उठिए उठिए, आइए उठिए। शहजादी यास्मीन, ये आंसू बहुत कीमती हैं। जिस राह पर आप अपनी मोहब्बत ढूंढने निकली थी, उसी राह पर आपको अपने अब्बू जान की मौत दिखी। ये क्या बोलेगा? इसका जुर्म तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, और उसने खुद अपने जुर्म को कबूल तक कर लिया। अब इस इंसान का झूठ का सिलसिला खत्म हो चुका है, और कल इसकी दो कौड़े की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। शहजादी यास्मीन, आपकी अम्मी बगदाद और हमें, मतलब हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। चलिए, शहजादी यास्मीन, चलिए। शहजादी यास्मीन अपने अब्बू बगदाद के महरूम बादशाह शाहनवाज के कातिल अलादीन उर्फ काले चोर को सजाए मौत देते हैं। इसे कंधेल के पास दीवारों में चुनवा दिया जाएगा। Thank you.
वो देखो खूनी की माँ आ गई। इसके घर के तो सारे मर्द बगदाद के दुश्मन है। एक ने मुल्क बेच दिया, एक ने बादशाह सलामत को मार दिया। सल्तनत उस खूनी को जब सजा देगी तब देगी। आज उसकी माँ को सजा हम देंगे। हाँ, हम सजा देंगे इन्हें। हाँ, हम देंगे सजा। हम देंगे। हम देंगे सजा इसे। हम देंगे। हम देंगे। हम देंगे सजा। अरे अपने बेटे को यही सिखाया तुमने? बददार बाप का खूनी बेटा। अब क्या हमें खाओगी? चली जाओ यहाँ से। चली जाओ यहाँ से। निकम्मा मत कहिए भाभी आप। वल्ला वल्ला, भूल गई? एहसान किया हमने तुझे और तेरे उस बेटे को यहाँ पनाह देकर। भगोड़े बाप का चोर बेटा। बस भाभी, बस। मैं जानती हूँ तू भी एक दिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी अम्मी का सर गुरूर और फक्र से ऊंचा कर देगा। मुझे लगता है कि ये चोरी तेरे बेटे ने ही की है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो चोर नहीं है। अलादीन कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसकी अम्मी का या उसके खानदान का सर नीचा हो जाए। मैंने सब कुछ खो के भी परवरिश में कभी कमी नहीं आने दी। उन्होंने मुझे दुनिया की सारी खूबसूरतियां दे दी और मैं उन्हें दुनिया की सबसे दर्दनाक यादें देके जा रहा हूं। वो मेरे लिए दुनिया से लड़ जाती थी और मैं उसी दुनिया के आगे उनका सर झुका के जा रहा हूं। अब तक तो अम्मू के हिस्से की ताने सुनती थी लेकिन अब मेरे लिए भी सुनेंगी। कैसे जिएंगे? कैसे? चाची जन उठिए। कर रहे हो तुम सब? खून इन्होंने नहीं बल्कि इनके बेटे ने किया है तो सजा इन्हें क्यों मिलेगी? ये भी मेरी तुम्हारी तरह बेकसूर है। एक खूनी की माँ बेकसूर नहीं हो सकती, ये यहाँ नहीं रह सकती। चुप, बिल्कुल चुप। चाची जान उठिए। ये इसी मोहल्ले में मेरे घर में रहती आई हैं और अगर किसी ने भी इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो उसे उसकी बाकी की जिंदगी कैद खाने में गुजारनी होगी, समझे? चाची जान चले। रुको, रुखसार। हमने तुम्हारे खानदान को बरसों पाला लेकिन अब और नहीं। पानी सर से ऊपर बढ़ चुका है,
तुम्हारे लाडले बेटे अलादीन ने बादशाह सलामत का कत्ल किया है और एक कातिल की अम्मी को हम अपने घर में पनाह नहीं दे सकते। हमें माफ करो, जाओ यहाँ से। अब चुप। गुलबदन के अब्बू, कत्ल अलादीन ने किया जिन उसने पाला, तो इसमें गलती रुखसार की कैसे? आप सब भूल गए जिन भगाओ मुहिम में रुखसार हमारी सरप्रस्त बनी थी उस वक्त इसने हमारी कितनी मदद की। पर आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कसम सोने की अशर्फियों की, इसका बेटा कातिल निकला, इसका शौहर गद्दार निकला, दोनों इसे धोखा देकर चले गए। ऐसे वक्त में आप लोगों का फर्ज बनता है कि इसका सहारा बने, इससे हमदर्दी करें। बहन, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, मैं दूंगी तुम्हारा साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ रुखसार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सर, आप ही के साथ आपके घर में रहेगी। कसम सोने की अशर्फियों की हुजूर, ऐसा गजब ना करें। जनाब अली, दरअसल उस नागिन और उस सफोले को हमने इतने बरसों तक मुट्ठी भर मूंगफली जैसे किराए में घर में रखा। अब जब अलादीन ही नहीं रहेगा तो रुखसार की कहां इतनी औकात कि वो किराया भी दे पाए। ऊपर से नाजनीन की बेइज्जती होगी सो अलग। हम तुम्हें बदनामी और किराया दोनों की कीमत देंगे। बस तुम्हें रुखसार को अपने घर में रखना होगा और उस पर नजर भी रखनी होगी। जैसे आपकी मर्जी, पर गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर क्या ये कनीज ये जान सकती है कि ऐसा क्यों? जोश, आवाम का जोश बहुत बड़ा होता है और याददाश्त बहुत छोटी, और हम चाहते हैं कि आवाम ये कभी ना भूले, खास तौर पे रुखसार को देखने के बाद ये बादशाह सलामत का कातिल और जिन का आका वो खबीस अलादीन है। वजीर आला, कल की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जी शहजादे यासमीन, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हमने सारे सिपाहियों को उनका अपना काम समझा दिया है और हमने शहर में मुनाड़ी भी भिजवा दी है। अपने ख्वाबों ख्यालों में बहुत कुछ सोचा था, पर ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम तुम्हें सजाए मौत सुनाएंगे अलादीन। आज तक तुमने हमारी दोस्ती देखी है, मोहब्बत देखी है, लेकिन कल नफरत देखोगे। अजीब इंसान है, इस पे पानी का झरना गिर गया फिर भी सो रहा है। तुम एक काम करो, इसे सुला दो और जब ये जागो तुम्हें तो इसे जगा देना। अरे हाँ, आका ने कहा था जब तक जागो नहीं कहोगे तब तक नहीं उठेगा। जागो। मैंने कहा सलाम, सब खैरियत है, आराम से सोए? और अरे अरे अरे, संभाल के। सलाम
जफर ने तुम्हें वाकई कितना बदल दिया है चिराग के जिन, अलादीन भी देखेगा तो हैरान रह जाएगा। वो किसी को नहीं देखेगा और बिल्कुल हैरान नहीं होगा। मतलब ये कि अलादीन तुम्हें नहीं देखेगा क्योंकि मेरे आका ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। आजादी मुबारक हो उमर। देखो जरा इन्हें, कमाल है। एक तो तुम्हें दोस्त समझने के नाते हम तुम्हें आजाद करने की सोच रहे हैं और तुम हम ही पर गुस्सा हो रहे हो। कमाल है। एक बात बताएं तुम्हें पते की, जाने अनजाने में तुमने हमें हमारे मकसद तक पहुंचने में बहुत मदद की। कैसा मकसद? चिराग जिन ये तो चैन की नींद सो रहा है, अब इन्हें क्या पता इनकी पीठ के पीछे क्या क्या हुआ है। तुम एक काम करो, जब तक हम इन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं तुम ऐसे ही उनको लटकाए रखो। जरूर। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अपनी ताकत और काबिलियत और अपनी मर्जी से कैदखाने से निकले? नहीं, हमारे कहने पर निकले। फिर उसके बाद तुम जा पहुंचे अलादीन के पास। तुमने उसे वो सब कुछ बताया कि उस काली रात को हम क्या करने वाले हैं। चांदसाए की रात को वो दरिंदा कुछ बहुत बड़ा करने वाला है और उसने चिराग के जिन को भी अपना गुलाम बना लिया है। अब क्योंकि अलादीन तुम्हारी हर एक बात का यकीन करता है, उसे इस बात पर पूरा यकीन हो गया कि हम ही मच्छर हैं। जाहिर है हमारी मर्जी से, हम जो करवाना चाहते थे तुमने वही किया और फिर हम वापस बुला लिया। उसके बाद सबने अलादीन को बादशाह सलामत का कत्ल करते हुए देखा। ये नामुमकिन है। अरे पूरी बात तो सुन लिया करो, वाह वाह शुरू कर दी तुमने। कल अलादीन को एक मकबरे में जिंदा दफनाया जाएगा। तुम्हारी उस मासूम अलादीन से क्या दुश्मनी है? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उससे तो दुश्मनी का नया नया रिश्ता बना था, लेकिन उसके वालिद से बरसों पुराना रिश्ता है। चाहे रिश्ता मोहब्बत का हो या नफरत का, निभाया तो जाना चाहिए। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो हमें? लो, हम एक और जरूरी बात बोलना भूली। तुम्हारा और अलादीन का एक बहुत खास रिश्ता है। रिश्ता? अलादीन तुम्हारा और रुखसार दोनों का बेटा है।
मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया कि हम सब इस दुनिया में दूसरों की मदद करने आए। कभी कभी अपनों के लिए जान दांव पे लगानी पड़ती है, और मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरी अम्मी की खुशियां। मेरी अम्मी हमेशा कहती, गम हो या खुशी, जो मिले उसे खुशी खुशी गले लगाना चाहिए। हाँ दोस्त, गद्दार उमर का कातिल बेटा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसी बगदाद की आवाम कह रही है, हैं? और कल उसे सजाए मौत दी जाएगी। मैं तेरी धक धक से वाकिफ हो सका बोला हूं, तूने ही अलादीन को बताया है। उठो, तो एक नेक दिला और शरीफ बच्चा है। अव्वल नंबर का कमीना और चलाकार ने एक बात का ख्याल रखना, तेरे ये नापाक मंसूबे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैं उसका सरपरस्त हूं, मैं उसे बचाऊंगा। ओ तो क्या कुछ भी कह रहे हो, क्यों हवे में लट्टे हो और कह रहे हो कुछ भी? सुनो, हमने सोचा लेकिन हमें सोच के बहुत बुरा भी लग रहा है, फिर भी बता देते हैं, हमारी वजह से तुम दोनों मिल नहीं पाओगे इस दुनिया। तो हमने सोचा कि तुम्हें और उसे एक ऐसी खास जगह पर भेज दें जहां तुम दोनों की मुलाकात हो पाए। आज तुम चले जाओ, कल अलादीन आ जाएगा, और फिर वहां बैठकर हमें जरूर याद करना। अरे अब तो खुश हो ना? साबित करना चाहता था, पर मैंने उनका और अम्मी के नाम पर कलंक पोत दी। मैं अम्मी को अकेला छोड़कर जा रहा हूं, माफ कर दीजिए मुझे। आप क्या भी है मैं जानता हूं, आप बेकसूर हैं, पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे, पर मैं आपके लिए जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। Ah!
मुझे मासूम लोगों को धोखा देने की आदत खबर और मुझे माफ करो। अब से तू अपनी उस जीत के जश्न की तैयारी करेगा जो कभी नहीं होगी, और मैं अपने बेटे की जिंदगी बचाने की तुम्हारे खात्मे की तैयारी करूंगा। जिगर होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। मेरा बेटा, मेरा अलादीन मेरी नजरों के सामने था ना। अलादीन, मेरे बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अलादीन, तुम्हारा अब्बा भी जिंदा है। मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें बचाऊंगा। मेरे होते हुए मेरे अप्पू का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कत्तार नहीं है मेरे अप्पू, लेकिन ये बात पूरी दुनिया में साबित करना बाकी है। मैं आपको अम्मी बुला सकता हूं? हाँ, जब बेटे अपनी मेहनत की कमाई से कुछ लाते हैं तो कपास भी रेशम लगता है। बारी है उस खबीस को देखने की, इसने हमारे बादशाह सलामत की जान ली। वो कातिल और कोई नहीं, अरे ये तो अलादीन है, अरे अलादीन है। मेरा बेटा काला चोर अलादीन, अच्छा को मार दिया। कैसे? इस मां की तकदीर ने तो धोखा दिया ही था, मेरी परवरिश ने भी मुझे धोखा दे दिया। मेरी मांगी हुई दुआ बदुआ कब बन गई मौला, कब बन गई। हमें आप पर नाज है, हमें बस उसी दिन का इंतजार है जिस दिन आप इस पूरे बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। उस दिन ना सिर्फ आपके अब्बू बल्कि शहंशाह इस पूरे मुल्क की आवाम को भी आप पर नाज होगा। अरे अब्बू को अकबर बकरे दा, अब से उम्मीदें थी उन्हें, हम जानते उनकी, और हमने पर भरोसा किया। लेकिन आज के बाद हम अपने दिल पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। Thank you.
उसने हमें मोहब्बत का रंग दिखाया काले चोर। क्या मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं मोहब्बत से भी नफरत हो गई? हम नफरत करते हैं मोहब्बत से। मैंने नकचड़ी से मोहब्बत की थी और मोहब्बत में जान दी जाती है, ली नहीं वो भी उसके उसके अप्पू की जान। या अल्लाह, ने हर किसी का दिल दुखाया, नकचड़ी का, अम्मी का। अम्मी मेरे बिना अकेले कैसे रहेंगी? मुझे जिनका साथ देना चाहिए था, मैं उन सबको दर्द और अकेला पन देकर जा रहा हूं। मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है मुझे जीने का। मैंने सबके साथ बुरा किया है। मैंने उस्ताद जी के साथ भी बुरा किया। उनके लिए मैं खास था, वो मुझ पर भरोसा करते थे और मैंने उनका भरोसा तोड़ा है। अल्लाह मुझे उस्ताद जी। उस्ताद जी, जवाब तो दीजिए, आप अभी मुझसे नाराज हैं। उस्ताद जी, फिक्र मत करना। मैं हम दोनों के लखते जिगर अलादीन को तुम्हारे पास सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। अलादीन के जिंदा रहते हमें इतना कुछ मिला, सोचो सोचो उसके मरने के बाद कितना मिलेगा। उठा ले ऊपर वाले, जल्दी उठा ले। हमने मिलके अलादीन को फंसा दिया, उसको काला चोर बनने पे मजबूर किया और अब उसकी पाल खोल दी। अलादीन मरेगा और हम रईस बनेंगे, रईस। उमर भाईजान, आप पर वजीरे आला ने तो कहा था कि आप उमर, मेरा मतलब है आप इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया से तो तुम दोनों रुखसत होने वाले हो, लेकिन इस वक्त तुम दोनों की मौत से
ज्यादा जरूरी मेरे बेटे अलादीन की जिंदगी है। मुझे बताओ जो उसे महल में कहां छुपा के रखा है। महल वालों की बातें महल वाले जाने हैं। उमर मेरा भाई जिंदा है। भाई मेरा अगर चाहती हो कि इस हड्डियों के ढांचे की सांसें चलती रहे। बताती हूँ पर अब बता के क्या फायदा। अब तक तो अलादीन को दीवार में चुनवाने के लिए वहां ले आ चुके होंगे। आपके मनपसंद फूल अब्बू, आप इस दुनिया में तो नहीं रहे पर इस महल में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये हमेशा आपकी अच्छाई की खुशबू से महकेगा, हमेशा। निकल जाओ यहां से। एक बार मुझे अपने अलादीन को देख लेने दो, एक बार अपने बेटे से मिलूंगी, बस मैं चली जाऊंगी, बस एक। बस एक बार मैं अलादीन से मिलकर मैं कहा ना जाओ उसे। शहजादी, मैं आपको आपके मुजरिम को सजा देने से नहीं रोक रही, बस आपसे गुजारिश कर रही हूं, एक बार हंसी एक बार मुझे अपने बेटे को देख लेने दीजिए, हंसी एक बार। जो लोग अपना जमीन बेचकर काम करते हैं ना, वो उस निकम्मे बेहाले चोर जैसे बन जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती उसकी अम्मी पर कितनी शर्मसार होंगी। हाथ आगे कर अलादीन। चोरी करना बुरी बात है, बोला था ना। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानती कि मेरा बेटा कोई गलत काम कर सकता है। एक अदालत माँ के दिल में होती है, जहां किसी गवाह किसी सबूत की जरूरत नहीं, सच अपने आप चलकर वहां आ जाता है। और सच ये है कि मेरा बेटा कातिल नहीं हो सकता। घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ, और तू हमेशा याद रखना तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है, सबसे अच्छा। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी मौत का मातम नहीं मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। जब भी आप मुझे याद करेंगी तो मुस्कुराते हुए।
वादा कीजिए। अलादीन सुन, तुझे कुछ बताना है। बताइए अम्मी। एक ना एक सच है जो जो तुझसे छुपाया मैंने। बताइए मुझे। तेरे अब्बू जिंदा है। बताइए अम्मी कहाँ है वो? मैं नहीं जानती। वो घर आए थे और इससे पहले कि मैं तुम दोनों को मिलवा पाती वो चले गए। पता नहीं कहाँ। मत ऐसा खेल क्यों खेल रहा है अम्मी? और जब वो आए हमेशा हमेशा के लिए मैं अब्बू से कभी नहीं मिला, पर कोई है जो मुझे अब्बू जितना प्यार करते। उस्ताद जी, यहां आने से पहले मैंने उनको पास वाले कैदखाने में देखा था और उन्हें मेरी आवाज भी लगाई थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार आप जाकर देखिए ना अम्मी, वो ठीक तो है ना? ये तो उमर का है। अलादीन, ये तेरे अब्बू का है। ये तेरे उस्ताद जी के पास कैसे आया? ये तावीज कहां से गिरा? ये मेरा तावीज है, मेरे एक अजीज की तस्वीर है इसमें। याद आ गया अम्मी, ये तावीज तो उस्ताद जी का है। का मतलब उस्ताद जी मेरे अप्पू हैं। उस्ताद जी मेरे अप्पू हैं अम्मी, मैं उनसे मिल चुका हूं। इंशाल्लाह उस्ताद जी मेरे अप्पू। मरने से पहले एक बार उनसे मिलना चाहता हूं, अप्पू से मिलना चाहता हूं एक बार। चलो
सजा का वक्त हो गया है। मुझे आज अपनी सारी पढ़ाई ये सारी इजाद बेकार लग रही है। काश मेरे हुनर के खीर में जामासी की किशमिश भी होती, या फिर कोई जामास मेरे साथ होता जो मेरी मदद कर पाता। हाँ, मेरी मदद कर पाता। ओमार, मेरे भाई तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। हाँ बुलबुल, लेकिन हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। मुझे अपने बेटे अलादीन की जान बचानी है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। बादशाह सलामत के कातिल को मार डालो, बगदाद को काले चोर से बचाओ। बेशर्म औरत है ये, अपने बेटे की मौत का तमाशा देखने के लिए आई है। अरे बेशर्मी तो इन लोगों के खून में है, पहले शौहर और अब बेटा। सच में इसे भी बगदाद से बाहर फेंक देना चाहिए। हाँ, और क्या। औलाद को खरोच भी आए तो मार रो पड़ती है, और मेरे अलादीन को तो। पर मैं अलादीन से किया वादा नहीं तोड़ूंगी। मैं अपने बेटे की मौत का मातम नहीं मनाऊंगी। आपके बेटे जैसे ना। ये काला चोर है, मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। कौन औरत है जिसकी तरफ मैं खींचा जा रहा हूं, और इसके आंसू देखिए मुझे क्यों आंसू आ रहे हैं।
वजीराल आ गए। देखो भाई, वजीराल आ गए। कातिल को सजा देने का वक्त हो गया है वजीर आला। देर मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। भाई भाई ये काम नहीं आएगा तो किसके आएगा? हाँ मेरा भाई अलादीन। अम्मी दिल में या तो डर रहता है या उम्मीद। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि डर और उम्मीद में हमेशा उम्मीद को चुनना चाहिए। पुकारा उसी लम्हा सब कुछ
हमें मिल गया था कि कुछ ना खुदा से मांगा दोबारा। तेरे साथ है, साथ है, साथ है, साथ है। मेरी अम्मी मेरे साथ है। अलादीन, 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 अब ये नाम भी कोई नहीं सुनेगा, सुनेगा। तेरा शेर याद आ गया। अर्ज किया है, कल झाड़ियों पे चढ़कर गिन गिन के बेर खाए, हमने कागज पे जो लिखे थे बकरी ने शेर खाए। बकरी से वो सलीम केले वाला याद आ गया। कल रात को वो शराब पीकर घर आया तो उसकी बीवी ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया और पूरी रात उसे बकरी के खूंटे से बांध कर रखा। किसी को शौहर के लिए बुरा लगा, किसी को बीवी के लिए बुरा लगा, पर मुझे बकरी के लिए बहुत बुरा लगा। बेचारी का घर ही छिन गया उससे। पर जो भी है, इस सब से ना
वो सलीम एकदम सीधा हो गया। आज पहली बार उसने मुझे तेरे नाम का ताना नहीं दिया, ना ही तेरे अब्बू के नाम का। केले तो ठीक दाम पर दिए ही, साथ ही में ये अफगानी इलायची भी दी तेरे मनपसंद शीरकुर्मा में डालने के लिए। जानती हूं तू जहां भी होगा मुझे देख रहा होगा। ईद मुबारक अलादीन, मुबारक अलादीन, मुबारक अलादीन। बिल्ला 86 86 नहीं 786 नजर नीचे कर, नजर नीचे कर। गुलाम की नजरें नीचे रहती हैं। जिस दिन उसकी नजर उठी उसका सर कलम हो जाता है, उसकी गर्दन कट जाती है। गुलाम में गुरूर। गुलाम में गुरूर। हाँ हजूर। गुलाम पत्थर तोड़ता है और मैं गुलामों को तोड़ता हूं, तुझे भी तोड़ूंगा और तेरे गुरूर को भी तोड़ूंगा। फिर तू भी बाकी गुलामों की तरह गुलामी के नगमे गाएगा। आज से सूबेदार ताहिर की नजरें तुझ पर रहेंगी। 786 समझ गया या समझाओ? हाँ
अगर ये बुद्ध गिर गया तो गजब हो जाएगा। वो उधर जितने भी गुलाम काम कर रहे हैं बेचारे इस बुद्ध के नीचे दबकर मर जाएंगे। एक बात कहूं मियां? कहो बेगम। कसम सोने की अशर्फियों की, अलादीन हमारे गुल्लू की किस्मत में लगा हुआ कांटा था। जब तक वो कांटा था हमारे बच्चे की किस्मत लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, और जैसे ही वो कांटा हटा तो हमारे गुल्लू की किस्मत घोड़े की तरह तबड़क तबड़क तबड़क। ओ चोर की अम्मी, कसम सोने की अशर्फियों की, काले चोर की माँ अपने दामन में क्या छुपा ले जा रही है? जरा नाजनीन
देखे तो। देख लिया शौहर गद्दार, बेटा चोर, ऊपर से बादशाह सलामत का कातिल। लेकिन रुखसार बेगम के शौक खत्म नहीं हो रहे, क्यों? मेरे बेटे को काला चोर जबरदस्ती आप दोनों ने बनाया, और रही बात उसके कातिल होने की, तो उसने तो घर बैठे मच्छरों को भी कभी नहीं मारा, तो फिर बादशाह सलामत का कातिल वो कैसे हो सकता है? अब आप लोग ना बस। याद है ना मैंने क्या बताया था? मिले जो अच्छे तो हम भी सच्चे, जो मिले फरेबी तो हम भी जलेबी। क्या हुआ, ज़बान पे ताला पड़ गया? भाभी ये शीर कोरमा तो मैं आपको जरूर देती है? पर शहर में ना एक बहुत बड़े पीर बाबा आए हुए हैं, सबकी मुरादें पूरी करते हैं, ये शीर कोरमा उनके लिए ले जा रही हूँ। कसम सोने की अशर्फियों की, अगर ऐसे कोई पीर बाबा आए हैं जो नाजनीन की मुराद पूरी करे, तो ये शीर कोरमा नाजनीन ले जाएगी। पर भाभी उन्हें झूठे और मक्कारों से सख्त नफरत है। आपको झूठा नहीं कह रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। रुखसार सही कह रही है बेगम, ऊपर वाले ने तुम्हें चर्बी और झूठ से मिलाकर बनाया है। तुम बाबा के पास मत जाना। उन्हें बेवकूफों से भी सख्त नफरत है। आपको नहीं कह रही हूँ, बस बता रही हूँ। सुन लिया चूजे के दिमाग वाले शेरदिल, कसम सोने की अशर्फियों की, तुम भी पीर बाबा के पास मत जाना। भाभी इसीलिए तो मैं जा रही हूँ, बस यूँ गई और यूँ आई। बेगम शीर कोरमे को देखकर खाने का दिल हो आया है। मियां मेरी एक ज्योति शीर है और दूसरी कोरमा, बताओ पहले कौन सी खाओगे? जो खाएंगे मियां बीवी मिलजुल कर खाएंगे। ये तो नाजनीन तय करेगी। चलो चलो मेरे ऊपर वाले इसके को बचा ले। एक बरस तक मैंने खुद को रोक के रखा, पर आज तो तुझसे मिलने आना ही था बेटा। आप उसे वादा कीजिए कि आप मेरी मौत का मातम नहीं मनाएंगी, जश्न मनाएंगी। जब भी आप मुझे याद करेंगी तो मुस्कुराते हुए, वादा कीजिए अम्मी। पूरा एक बरस हो गया तुझे गए, पर आज भी कुछ नहीं बदला। पहले तुझे देखकर जीती थी, अब तेरा नाम लेकर जीती हूं। तू साथ नहीं है, पर तेरा एहसास हमेशा मेरे पास है। दिन में जब धूप निकलती है, लगता है तूने गरम चादर उड़ाई है। रात में जब चांद निकलता है, लगता है तू छत पर सो रहा है। और जब हवा चलती है, लगता है तू मजाक कर रहा है।
कभी तू था दुआ जैसा, कभी तू था दवा जैसा। ये दुनिया रेत का घर और मेरा बेटा हवा जैसा। जन्नतें तूने तोहफे में दी थी माँ के।
कहके तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था, कि कुछ ना खुदा से मांगा दोबारा। शीर कोरबा खाओगे? हाँ। मैं जानती हूं तू इस दुनिया में नहीं है, पर मैं ये भी जानती हूं कि मां की मोहब्बत दुनिया की सरहदों से आजाद है। तू जहां भी है, मेरी मोहब्बत और मेरी दुआएं तुझ तक जरूर पहुंचेंगी। बेटा, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा के मेरी ईद सचमुच मुबारक बना दी। इस माँ के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर कभी जरूरत पड़ी ना तो ये माँ तुम्हारे लिए हंसते हंसते जान दे देगी। माँ की मोहब्बत से बड़ी दौलत इस दुनिया में कोई भी नहीं। इस दौलत को संभाल के रखना। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अल। अली। नाम में क्या रखा?